की सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद साक्षी महाराज पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है और साथ ही उन पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। साक्षी महाराज ने शास्त्रों के नाम पर कथित तौर पर लोगों से धमकी देकर वोट मांगा था। साक्षी ने एक जनसभा में खुद को सन्यासी बताते हुए कहा था कि जो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे उन्हें श्राप दे देंगे। साक्षी महाराज ने कहा था कि मैं सन्यासी हूँ, आपके दरवाजे पर भीख मांगने आया हूँ, अगर एक सन्यासी को मना किया तो आपकी गृहस्थी के पुण्य ले जाऊंगा, अपने पाप दे जाऊंगा। साक्षी महाराज ने चुनावी कार्यक्रम में जनता से वोट मांगते हुए ये बातें कही थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है, और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है, आप अपनी कन्या का दान करते हैं, जब कन्या का विवाह करते हैं हजार बार सोच समझ के तब कन्या का दान करते हैं, लेकिन कन्या दान में एक बेटी के भाग्य का निर्णय होता है, और मतदान तो हलाखों कन्या दान के बराबर है, इसमें 125 करोड़ वासियों के भाग्य का निर्णय होने वाला है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब